नमस्कार, आप देख रहे हैं जनुदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खबर के ऊपर। दिल्ली में एमसीडी में फंड को लेके बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान चल रही है। जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए की हेरफेर का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी सरकार 13000 करोड़ को लेके प्रदर्शन कर रही है, फिर चाहे वो सदन हो या कहीं और। इसी कड़ी में आज एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरपीबीपी स्कूल के मंडल की मोहल्ला सभा रखी गई। आपको बता दें कि ये सभा नेताजी सुभाष चंद्र पार्क रोहिणी सेक्टर 11 में रखी गई थी, जिसमें सभी वार्ड के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इसी कड़ी में जब हमारी संवाददाता प्रिया तिवारी पहुंची इनके बीच, तो देखिए वहां पर मौजूद संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल और अनिल राणा ने क्या कहा। नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनउदय में। आज हम आए रोहिणी सेक्टर 11 में, आइए बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल राणा, रिठाला विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। सर, जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में बताइए। देखिए मैम, हमने ये जो प्रोग्राम रखा है ये पूरी दिल्ली में रखे हुए हैं जी। ये 2500 प्रोग्राम इसी तरह के, इनको हमने जो नाम दिया है वो मोहल्ला सभा के नाम से दिया हुआ है। मोहल्ला सभाओं के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जनता को कि एमसीडी में जो बीजेपी शासित है उसमें कितना करप्शन है। उनके करप्शन का हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि किस किस तरीके से वो एमसीडी में करप्शन करते हैं। उन सभी करप्शनों को उजागर करके हम जनता को बताना चाहते हैं कि साफ़ सुथरी और नेक जो केजरीवाल जी का नेतृत्व वाली सरकार बनेगी उसको बनाए और जो भी अपनी समस्याएं हैं उन सब से निजात पाएँ। सर, जैसे कि बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है कि 13000 करोड़ का घोटाला वापस करें आप सरकार, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो 13000 करोड़ वाला जो वो कह रहे हैं, तो उसके लिए जो यूनियन है यहाँ के अपने दिल्ली की, जो सफाई कर्मचारी और जो मेडिकल वाले हैं, जो एमसीडी के जितने भी यूनियन है, वो इकट्ठा होकर कोर्ट गए थे। तो कोर्ट ने उनको ये कहा कि भी बताइए, तो उन्होंने दिल्ली सरकार को और एमसीडी को इसके लिए नॉमिनेट किया था कि भी आप दोनों को नोटिस भेजे थे कि दोनों सरकारें आएँ। वो दोनों सरकार आ गई, तो दिल्ली सरकार से पूछा गया, तो दिल्ली सरकार ने ये कहा कि हमने इनको कोई भी पैसा नहीं देना है और हम इसका एफिडेविट देते हैं। तो दिल्ली सरकार का जब एफिडेविट ले लिया, तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने इसके लिए तहकीकात की, तहकीकात करके उसको सही पाया और एफिडेविट को ओके कर दिया। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि एमसीडी से जो बीजेपी शासित है कि भाई अगर आपको 13000 करोड़ लेने हैं तो आप हमें इसका एफिडेविट दीजिए जिस तरह दिल्ली सरकार ने दिया। तो उन्होंने एफिडेविट के लिए मना कर दिया कि जी हम कोई एफिडेविट नहीं देंगे, क्योंकि ये तो नेताओं की भाषाएँ होती हैं। हम नेताओं के जैसे पहले भी आपको पता होगा, जुमले वाली सरकार तो ये आमतौर पर मशहूर है ही, तो हम तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए किया था, हम एफिडेविट इसमें नहीं दे सकते। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली सरकार से किसी को कोई पैसा नहीं लेना, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये लिख के दिया हुआ है एफिडेविट। जो कोर्ट का, कोर्ट में एफिडेविट देने का मतलब ये होता है कि आप अपने गले में फांसी का फंदा डाल रहे हो। जब दिल्ली सरकार ने ये दिया हुआ है तो, और एमसीडी नहीं दिया, तो इसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि दिल्ली सरकार को किसी का कोई पैसा नहीं देना। आइए बात करते हैं प्रदीप मित्तल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो आज प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आज आपको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और दूसरी बात, जो आज का कार्यक्रम हमारा ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे दिल्ली के अंदर 2500 मोहल्ला सभाएं की जा रही है जी। तो जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, जो इन्होंने अभी लेटेस्ट जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, तो वो आम जन तक हर आदमी को इस बात का पता लगे कि किस तरीके से एमसीडी जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, उसी के अनुसार यहाँ पर ये आज मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया जी। सर, जैसे कि बीजेपी सरकार के द्वारा कहा गया है 13000 करोड़ का घोटाला आप सरकार ने किया, उसके बारे में बताइए। मैडम, घोटाला नहीं है, वो लोग पैसा मांग रहे हैं कि 13000 करोड़ रुपया हमें दिया जाए, जबकि उन्होंने कोर्ट के अंदर जिस तरीके से अभी 2020 के अंदर दिसंबर में एक एफिडेविट लगाया है कि हमने दिल्ली सरकार से कोई पैसा बकाया नहीं लेना है जी। तो अगर कोर्ट के अंदर वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने पैसा नहीं लेना है, तो ये खाली पोस्टर लगा के लोगों को भ्रम की जो राजनीति फैला रहे हैं, सिर्फ यही है। और फिर अभी भी हमारे माननीय जो डिप्टी सीएम साहब हैं, मिनिस्टर सिसोदिया जी, उन्होंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के
माध्यम से बताया है कि 6270 करोड़ रुपया जो है वो लोन के रूप में दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी एमसीडी को दिया हुआ है और 938 करोड़ रुपए और रिलीज किए हैं अभी हमने 4 दिन पहले, जो इन हमारे कर्मचारियों को पिछले 5 से 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो उसको देखते हुए हमने 938 करोड़ रुपए और इनको एक्स्ट्रा फंड दिया है। तो हम जो कह रहे हैं कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है, अपनी नीयत को ठीक कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरा नाम प्रेमपाल वर्मा है जी। मैं यहाँ से रिठाला विधानसभा से वार्ड 25 का अध्यक्ष हूँ जी। सर, जो आज प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में बताइए। हाँ, आजकल है ना पूरी दिल्ली में हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जी मौला सभाएं की जा रही हैं जी। रोज हर वार्ड में, हर जगह, हर मंडल पे ये मौला सभाएं की जा रही हैं जी, एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के संबंध में जी। आपको पता है पूरी दिल्ली में इस टाइम जो शासन है एमसीडी के अंदर बीजेपी का है जी, और पूरी दिल्ली का इस टाइम बुरा हाल है। साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। कारण क्या है? एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से ये हमारे काम दिल्ली के हो नहीं पाते। साफ सफाई से संबंधित जिस काम के लिए हमने इनको बनाया था, इनके पार्षदों को, इनको हमने जिताया था, इनको सत्ता में बैठाया था, तो ये लोग क्या करते हैं, सब के सब अपनी जेब भरने में, इनके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लिप्त हैं। इनकी जो एमसीडी है वो कंगाल हो गई है, लेकिन इनके जितने भी पार्षद हैं, जितने इनके अफसर हैं, वो सब के सब धनाढ्य हो गए हैं, वे सब के सब अमीर हो गए हैं, उनके सब के सबकी जेबें भर गई हैं, लेकिन एमसीडी कंगाल। एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं जी, उल्टा दिल्ली सरकार ने इनको लोन दे रखा है जी। और अभी आपने देखा होगा, अभी काफ़ी टाइम से एमसीडी के अंदर स्ट्राइक थी, तो दिल्ली सरकार ने सोचा भी चलो इनको कुछ पैसा दे के कम से कम जो इनके जो कर्मचारी हैं, जो 4-5-6 महीने से बेचारे जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, तो कम से कम उनको थोड़ी बहुत तो सहायता मिले, कुछ तो उनको लगेगा भी, उन बाल बच्चे उनके भी है। इन्होंने एक तरस खा के लगा लो, हमारे दिल्ली के सीएम ने इनको लगभग 900 करोड़ करीब इनको पैसा दिया है, जिससे इनकी कम से कम कर्मचारियों की सैलरी तो कम से कम दी जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे जैन उदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जैन उदय and hit the bell icon.